the segments of enthalpies, up till now what we have seen is enthalpy of formation, enthalpy of combustion and their examples. Today we are going to learn the enthalpy of neutralization. Number 3, it is enthalpy or simply heat of neutralization. Now it's a very specific process. You know, neutralization is a reaction between acids and bases. Acids react with base, or base reacts with acid to neutralize each other. So let's just see the definition. Before that, let's see the symbol for it. Delta N, N stands for neutralization. It's not standard enthalpy of neutralization. So let us just see the definition for the enthalpy of neutralization. It is the change in enthalpy or the amount of heat evolved during the complete neutralization. Complete means 100%, it should be complete neutralization of 1 gram equivalent of an acid, or 1 mole of H plus. ऐसा भी लिख सकते हैं, but yeah, this is important. 1 gram equivalent of an acid by 1 gram equivalent of a base. So this is the definition. It is a change in enthalpy or the amount of it evolved. यहाँ पे evolved ही आएगा, क्योंकि सारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक होते हैं. इसमें एक भी एक्सेप्शन नहीं. कंबशन भी एक्सोथर्मिक होता है, लेकिन उसमें एक्सेप्शन है. नाइट्रोजन फ्लोरीन, यहाँ पे एक भी एक्सेप्शन आपको मिलेगा नहीं. इट इज ऑलवेज गिवन आउट. इसके लिए इवॉल्व ड्यूरिंग कंप्लीट का मतलब 100%, ये मैं आपको समझाता हूँ. 80% 70% भी न्यूट्रलाइजेशन होता है, तो तभी जो हीट इवॉल्व होता है इज नॉट द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. इट हैज टू बी 100% न्यूट्रलाइजेशन ऑफ व्हाट? 1 gram equivalent of acid by 1 gram equivalent of base. यहाँ पे 1 mole नहीं है, ये फर्क है formation combustion में. जिसका formation था उसका 1 mole था, जिसका combustion था उसका 1 mole. यहाँ पे neutralization पहली बात तो acid और base के बीच में ही है, कोई और दूसरा substance नहीं चलेगा. No substance, no compound, ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा. Acid और base के बीच में ही, और उनका भी कितना होना चाहिए? Compulsorily 1 gram equivalent. अब 1 gram equivalent of acid मतलब क्या, या 1 gram equivalent of base मतलब क्या, हम देख चुके हैं ऑलरेडी solutions and colligative property में. फिर भी मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं कि 1 gram equivalent मतलब क्या होता है. Okay, now let's see what is the meaning of 1 gram equivalent of an acid or 1 gram equivalent of a base. इसके लिए पहले ये word समझ लेते हैं, ये equivalent मतलब क्या होता है, है ना. यू शुड नो दैट दीज टू आर नॉट द सेम वर्ड्स. ये मैं सिखा चुका हूं, वापस बता रहा हूं. इक्वल और इक्विवेलेंट ये सेम नहीं है. कई बार मैं एग्जांपल देता हूं, आज वापस दे रहा हूं. सी हियर, 1 and 100 दे आर नॉट इक्वल, करेक्ट ना. बट व्हेन इट कम्स टू इंडियन करेंसी, दैट इज 1 rupee and 100 paisa. सो दिस सिंबल यू शुड रीड दिस एज इक्विवेलेंट. 1 rupee और 100 paisa इक्वल नहीं होता है, उनका वैल्यू इक्वल होता है. तो दो चीजें जो इक्वल नहीं, इक्विवेलेंट हो सकती है, मतलब उनका वैल्यू सेम हो सकता है. आपको किसी ने 100 रुपए देना है, उसने 100 का 1 नोट दिया क्या, और 10 के 10 दिए क्या, सेम ही है. आप ऐसा नहीं कह सकते 10 के 10 दिए मतलब मुझे ज्यादा नोट दिए, मेरे पास ज्यादा पैसा. इट्स नॉट लाइक दैट, क्योंकि 10 के 10 नोटों का वैल्यू और 100 के 1 नोट का वैल्यू सेम है. बोथ आर इक्विवेलेंट, ऐसे आता है. सो व्हाट इज 1 इक्विवेलेंट, वो देखते हैं. लेट्स सी एन एग्जांपल हियर. 1 इक्विवेलेंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. पहले तो ये समझ लेना कि 1 इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 या किसी भी सब्सटेंस का मतलब ही इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट सब्सटेंस होता है. जैसे 1 इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 मतलब ही इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 विच इज 49. ये कैसे है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H2 साइड्स. ये मैं सिखा चुका हूं. इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं एसिड का?
मॉलिक्यूलर वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट 98 है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल एचलोर साइंस इज 2, तो 98 अपॉन 2 मतलब 49 होगा, तो ये हो गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4, मतलब ही 1 इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। अब 1 ग्राम इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है वो देखते हैं, H2SO4 का 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 क्या होना चाहिए, इट शुड बी 49 ग्राम्स। देखो तो 1 इक्विवेलेंट है तो 49, 1 ग्राम है तो यहां पे 49 ग्राम्स आएगा, करेक्ट ना, 1 के बाद ग्राम आएगा तो इधर भी 49 के बाद ग्राम आएगा, दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो ये केमिस्ट्री की टर्मिनोलॉजी, आप केमिस्ट्री लैब में काम करेंगे और कोई आपको ऐसा कहेगा कि गिव मी 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4, तो आपने H2SO4 का वजन करके 1 ग्राम नहीं देना चाहिए, 49 ग्राम्स देना चाहिए, क्योंकि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 का मतलब क्या हो गया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। समझा, किसी भी सब्सटेंस का, चाहे वो एसिड हो बेस कुछ भी हो, किसी भी सब्सटेंस का 1 ग्राम इक्विवेलेंट मतलब उस सब्सटेंस का जितना इक्विवेलेंट वेट है उतना ग्राम्स। आर यू गेटिंग इट? इट इज दैट सिंपल। समझो, मैंने ये बार बार बताया, मैंने ऐसा कहा कि गिव मी 1 dozen, या 1 dozen यानी क्या 12, लेकिन 1 dozen मैंगोज बोला तो 12 मैंगोज आता है ना, मैं 1 dozen बोला तो 12 पे रुक गए, 1 dozen मैंगो बोला तो 12 मैंगो आता है कि नहीं, वैसे ही 1 इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 मतलब 49, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 मतलब 49 ग्राम्स। ओके, सी द नेक्स्ट वन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH, NaOH इज अ बेस, इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH अपॉन नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयंस, वो तो 1 है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट हो गया 40। नाउ व्हाट इज 1 इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, इट इज द सेम इक्विवेलेंट वेट, मतलब ही 1 इक्विवेलेंट, इट इज 40। ये तो मैंने वही लिखा अगेन, 1 इक्विवेलेंट, अभी मैं चेंज करता हूँ, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, तो ये क्या हो जाएगा 40 ग्राम्स, ऐसे है ना। सो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। Okay, let's see some synopsis as far as enthalpy of neutralization is concerned. Very importantly, remember, the standard enthalpy of neutralization is always negative. No exception whatsoever. Enthalpy of neutralization is always negative. Matlab, neutralization is always an exothermic reaction. So, koi bhi neutralization ka agar sum aata hai, to by default, aapka answer negative aane wala hai. उसमें एक्सेप्शन क्या आएगा, मैं एक सम करके दूंगा तो समझ में आएगा कि आंसर पॉजिटिव कभी मार्क करने का या नेगेटिव कभी, लेकिन ये हमेशा नेगेटिव आता है, बाय डिफॉल्ट आंसर यही आएगा। दूसरी बात, वेरी इंपॉर्टेंटली, द एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, मतलब HCl, H2SO4, HNO3 एक्सेट्रा, by a strong base मतलब NaOH, KOH is maximum and a constant equal to somewhere around approximately -57.32 kilojoules per equivalent, yeah, approximately -13.7 kilocalories. या था ये पॉइंट, मैं अच्छे से आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल देके, ऐसा एग्जाम्पल दूंगा, दो एग्जाम्पल जिसमें डेफिनेशन भी पूरा क्लियर हो जाएगा, ये मुझे समझाना है 100% ही कैसे लिखे हैं, उसके अलावा नेगेटिव आंसर कब रिपोर्ट करने का, पॉजिटिव का वो भी बताऊंगा, और ये जो पॉइंट है वो भी आपको समझ में आए, ऐसा दो एग्जांपल में आपको सिखाता हूं। ओके, सी द सम हियर प्लीज, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व ड्यूरिंग 80% न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड बाय 0.3 नॉर्मल NaOH। नाउ हियर फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू नो व्हाट इज नॉर्मैलिटी, नॉर्मैलिटी it is number of equivalents obviously of solutes upon volume of the solution in liters. So from here, what is number of equivalents, it is normality multiplied by volume. It's a very important concept, number of equivalents is normality multiplied by volume, obviously in liters, correct na? So
इसका अगर मुझे आंसर वन चाहिए, वन इक्विवेलेंट, सो दैट शुड बी वन नॉर्मल मल्टीप्लाइड बाय वन लीटर, करेक्ट ना? सो वन नॉर्मल इंटू वन लीटर इज ऑल्सो वन इक्विवेलेंट, राइट? एंड हियर नंबर ऑफ, एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट बता के रखता हूँ, इधर मिली आया, मिली इक्विवेलेंट शुड बी वॉट, नॉर्मैलिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन मिली लीटर्स, ठीक है कि नहीं? इतना समझ लेना, इधर लीटर के पहले मिली आएगा, अगर इधर मिली है तो इधर भी मिली, जस्ट अ प्रीफिक्स। अब ये हमने समझ लिया, अब हम लोग सम सॉल्व करते हैं। ओके, आई एम राइटिंग द रिएक्शन हियर, H2SO4 इन इट्स एक्वियस सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद NaOH अगेन इन इट्स एक्वियस सॉल्यूशन, व्हाट इज इट गोइंग टू गिव यू? इट विल ऑब्वियसली गिव यू सोडियम सल्फेट Na2SO4 अगेन एक्वियस प्लस वाटर which is H2O liquid. So I just need to balance this reaction. This should be 2 times, this is 2 times. Products are not important. Now here, these two will neutralize each other 100% only when one normal of each is used. Now one normal means one equivalent of H2SO4 and one equivalent of NaOH, right? And the corresponding enthalpy of neutralization is -57.32 kilojoules. अब ये number कहाँ से आया? ये तो सब में है ही नहीं, it's not there. But you should realize that both the acid and base are strong. It's a strong acid, it is a strong base. And the enthalpy of neutralization of strong acid by strong base is this. ये दिया नहीं जाएगा, आपको याद रखना है. अगर दिया है तो you are very lucky. But in my opinion, you should remember it, जो मैंने note में आपको लिखवा के दिया है. तो इसके 0.1 नॉर्मल के लिए इसका कितना लगेगा? 0.1 नॉर्मल, ये कहाँ से लिया? सब में दिया है, अगर आप पढ़ते हैं ठीक से, ये दिया है, तो 0.1 को 0.1 ही लगेगा ना, 1:1 का रेशो है, तो ये एक्सेस में है, 0.3 पूरा यूज ही नहीं होगा, उसमें से 0.1 यूज होगा, तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना आएगा? ऑब्वियसली इट विल बी -5.732 kilojoules, है ना? तो इससे समझ में आता है कि एंथैल्पी जो है वो एक अमाउंट डिपेंडेंट प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव है, मतलब अमाउंट चेंज हो गया तो वो भी चेंज हो गया, एंथैल्पी भी चेंज हुआ है। अदर देन दैट, नाउ ये जो एंथैल्पी मिला है वो 100% के लिए, दिस इज फॉर 100%, करेक्ट? लेकिन अपने को 80% के लिए निकालना है, तो फिर क्या करेंगे? यहाँ पे लिखता हूँ परसेंटेज और एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। परसेंटेज जब 100 है तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 5.732 है किलो जूल्स में, तो जब ये 80% आएगा, है ना, तो इसमें कितना आएगा, राइट? 100% के लिए -5.732 है, है ना? ये 100% के लिए -5.732 है, तो 80% के लिए कितना आएगा? सो एक्स विल बी इक्वल टू 5.732 है, है ना? आई मेड अ करेक्शन हियर, ये 732 है, राइट? अपॉन ये 100, ये हो गया। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। सो आफ्टर डूइंग द कैलकुलेशंस हियर, यू नो यू गेट दिस आंसर इन किलो जूल्स, बट यू शुड, मतलब ये क्या हो गया, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन -4.5856 आया, लेकिन आपको पूछा क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड, तो आप पॉजिटिव आंसर रिपोर्ट करेंगे, क्या कहेंगे? द एंथैल्पी द हीट इवॉल्व्ड इज 4.5856, ऐसे आएगा, समझ में आया? क्योंकि इवॉल्व वर्ड आया तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिखा चुका हूँ, राइट? है ना, यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्टर हम लोग सीखे हैं, है ना, कि 80% के लिए कैसे निकालते हैं, ये बाय डिफॉल्ट 100% के लिए होता है, ये नंबर कहाँ से आया, क्योंकि दोनों स्ट्रांग है इसके लिए आया, और ये 57.5 का 5 पॉइंट क्यों हुआ, क्योंकि ये 1 को इसको 10 से यहाँ पे डिवाइड किया, तो यहाँ पे भी 10 से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब एंथैल्पी जो होता है वो एक्सटेंसिव है, वो हमने देखा है, करेक्ट? पर इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है, और अगेन इवन इफ योर आंसर इज नेगेटिव बिकॉज देयर इज इवॉल्व्ड वर्ड इन द क्वेश्चन यू शुड रिपोर्ट द पॉजिटिव आंसर, राइट? और एक एग्जांपल देखते हैं, और एक क्वेश्चन देखते हैं, द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिडिक एसिड बाय NaOH इज, आपको बताना है इक्वल टू दिस है, ग्रेटर देन दिस है, या लेस देन दिस है, तो ऑब्वियसली आपका आंसर लेस देन दिस आएगा। ये कब आता है? जब एसिड और बेस दोनों स्ट्रांग होंगे, यहाँ पे ये वीक एसिड है और ये स्ट्रांग बेस है, तो एसिड और बेस में से एक भी अगर वीक रहेगा तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कम हो जाएगा। अच्छा, पिछले 3 लेक्चर्स से हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री में एंथैल्पी पढ़ रहे हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हुआ, उसका एग्जाम्पल्स देखा,
We have also seen enthalpy of combustion, an example of that. We have also seen delta N in the same lecture. And today we learned enthalpy of neutralization. There are many more enthalpies to come, as many as 17 to 18. The list is quite big. But one factor, one point we need to learn in today's lecture is that the factors affecting enthalpy. The first one is the amount of the substance, and second one, the physical state of the substance. Let me explain what I mean. I'll take a reaction here. Let's say H2 gas plus O2 gas gives us H2O liquid. I'll balance it like this. I say the enthalpy for this is minus 572 kilojoules. The same reaction, I'm writing it here, half O2 gas gives us H2O liquid. The delta H is minus 286 kilojoules per mole. Now here it is not 1 mole because we are not producing 1 mole. Mole is an amount, correct or not? The amount is less here. So delta H is also less. It's the same reaction, but this is formation. We have seen that. As the amount is reduced to half, even the delta H is reduced to half, which goes to show that delta H is extensive, means it depends on the amount of the substance. The same reaction now, I'll write it like this. Half O2 gas, this time it's going to give us H2O, but this is gaseous. The delta H for this is minus 242 kilojoules on a per mole. We are producing 1 mole, but this is the difference. And the delta H changes, the substance is the same, but what has changed is the physical state has an effect on delta H, it is changing. Can you see that? So these are the factors affecting the enthalpy. Any enthalpy is obviously extensive, amount dependent, and physical state also affects the delta H. So this is everything about neutralization, just an extra synopsis here. If you have liked this video, don't forget to press the like button. And please do subscribe my YouTube channel. Thank you.